जब तुम्हारी मॉम ही प्रिंसिपल हो तो तुम्हें एक शानदार जरूरी व्यक्ति की तरह महसूस होता है। पर क्या सच में ऐसा होता है? चलो हमारे दोस्त टोनी के जरिए पता लगाएं। टीचर्स नए प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर रही हैं। कोई नहीं जानता कि मिस एनी रिप्लेस हो गई है। तो ये कौन है? ओह, ये रही मिस एनी और ये टोनी है। कहानी में ट्विस्ट, मिस एनी का बेटा ट्रिम ट्रिम हाई का नया स्टूडेंट है और टीचर गलत प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर रही थी। अब ये साफ है कि कैंपस में बिग मैन कौन है। टोनी इतना बिगड़ा हुआ है कि उसके क्लासमेट्स को आराम करने का एक भी मौका नहीं मिल सकता। पर इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी प्रिंसिपल के ऑफिस में नहीं जाना चाहता। मिस्टर जोई हमें क्या बता रहे हैं? एरोडायनामिक्स। टोनी हमें एग्जांपल दिखा सकता है। उड़ने के लिए तैयार हो, लॉन्च। बेचारे मिस्टर जोई, इस बर्ताव को माफ नहीं किया जा सकता। पर ये प्रिंसिपल का बेटा है और कम से कम टोनी को एरोडायनामिक्स के बारे में कुछ समझ तो आया, तो आज इसे सजा नहीं मिलेगी। टोनी 5 मिनट से हिप हॉप देख रहा है और ऐसा लगता है वो हिट म्यूजिक देख रहा है। मिस्टर मार्टिन को इग्नोर होने की आदत नहीं है। वो स्कूल के सबसे अच्छे लिटरेचर के टीचर हैं, पर टोनी ने हर नियम तोड़ दिया। मिस्टर मार्टिन, आपको टोनी का ध्यान पाने के लिए अलग तरीके से सोचना होगा। आप परेशानी नहीं करना चाहते है ना? टॉपिक को उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करो जो बच्चों को पसंद आए। तुम पहले जरूर कंफ्यूज्ड होगे, पर तुम अच्छा कर रहे हो। मिस्टर जोई सिर्फ फिजिक्स ही नहीं पढ़ाते, वो बॉटनी में भी बहुत अच्छे हैं और आमतौर पर उनकी क्लासेस बच्चों से भरी होती हैं। पर आज कुछ बच्चे नहीं आए हैं। ओ, ये रहे कामचोर बच्चे। 10 मिनट हो चुके हैं और टोनी ये रहा प्रिंसिपल के ऑफिस में अभी। लड़के को पहले जाने दो। ठीक है जेंटलमैन। टोनी को अपनी मॉम के साथ मिलने में कोई परेशानी नहीं है, पर बेचारी लौला साफ तौर पर मुश्किल में है। टोनी, तुम्हारी बारी। हाँ, जैसा सोचा था, टोनी नेपोटिज्म का फायदा उठा रहा है। मिस्टर निक हॉल में पेपर चेक कर रहे हैं। बड़ी गलती, क्योंकि प्रिंसिपल के बेटे ने अपना फोन तोड़ लिया। टोनी जज को बुलाने वाला है ये पता लगाने के लिए कि क्या हुआ है। बिल्कुल, तुम अपने जॉब को नहीं खोना चाहते, तो तुम्हें मॉरल डैमेज के लिए टोनी को मुआवजा देना होगा। उसके पर्सनल राइट बनने की कोशिश करो। चलो मिस्टर निक, मुझे क्लास तक ले जाओ। आईटी क्लास में स्वागत है। जब सभी बच्चे कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे, टोनी डोमिनेंस के लिए लड़ रहा था। उसे कोई परवाह नहीं कि कौन उसे देखता है। एक आदमी इतना रूड कैसे हो सकता है? हे, मिस्टर जोई पर ध्यान दो। नहीं, टोनी किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे रहा, उसे बस अभी दूसरे प्लेयर की जरूरत है। ओह, क्विंटिन वुड। स्कूल की लड़कियां जमीन की पूजा करती हैं जिस पर वो चलता है या पूजा करती थी, क्योंकि अब टोनी आ गया। चाहे क्विंटिन स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का क्यों ना हो, जब टोनी आसपास होता है तो कोई भी इसे नोटिस नहीं करता। यहाँ तक कि बेल भी टोनी पर ध्यान देने से रोकने का कारण नहीं बन सकती। पर मिस्टर जो इससे असहमत है या फिर नहीं। किसे परवाह है कि ये क्लास का समय है? टोनी लंच कर रहा है। माफ करना मिस्टर रूडी, टोनी को आपका सब्जेक्ट पसंद नहीं, फर्क नहीं पड़ता वो क्या है। ओ, टोनी, तुम सच में इसे इग्नोर करने वाले हो? सैंडविच को सूखा खाना मुश्किल होने वाला है। ये लो, कुछ चाय पी लो, इससे आसानी होगी। सब्सक्राइब। टेस्ट के दौरान कोई स्मार्टफोन नहीं। एग्जाम में तुम्हारा सबसे बड़ा हेल्पर तुम्हारा दिमाग होना चाहिए। और अगर आप प्रिंसिपल के बेटे हो तो हम एक एक्सेप्शन रख सकते हैं। लगभग सभी आंसर्स कॉपी हो गए, पर टोनी की बैटरी ने उसे निराश कर दिया। शायद मिस्टर जॉय उसे चार्जर उधार में देंगे। अब टोनी अपना काम खत्म कर सकता है।
हाँ मिस्टर जूई, आपको जरूर टीचर ऑफ द ईयर मिलेगा। फिजिक्स शानदार है, पर टोनी को परवाह नहीं है। कैसी फिजिक्स? पर चीजें बदलने वाली है और पूरी तरह से बदल गई। टोनी की मॉम के पास जरूरी खबर है, उन्होंने वेकेशन पर जाने का फैसला किया, तो अब से हमारे प्रिंसिपल मिस्टर डेविड होने वाले हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, टोनी ने अपनी इकलौती प्रोटेक्शन गवा दी, जिसका मतलब है उसे सही तरीके से बिहेव करना होगा और वो जो चाहे वो नहीं कर पाएगा। खैर टोनी, ऐसा लगता है तुम्हारे आतंक का शासन खत्म हो गया, बोर्ड पर आओ। पिछले दिनों टोनी ने दिखाया कि उसे एक्सपेरिमेंट पसंद थी। मिस्टर जोई को शायद वो एयरप्लेन याद है। इसका मतलब हमारा अगला सब्जेक्ट होगा सबसे ज्यादा परेशान करने वाला रूट बच्चा, टोनी। जब तुम्हें सबसे ज्यादा अपनी मम्मी की जरूरत है तो तुम्हारी मम्मी कहाँ है? यहाँ थोड़ा रब करो, यही फ्रिक्शन की पावर है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी शानदार है, बस ज्यादा मत करना। पर हमारा यंग एडिसन इसे संभाल लेगा। अब तुम बैठ सकते हो टोनी। मिस्टर मार्टिन स्कूल प्ले के लिए ऑडिशन ले रहे हैं। चलो देखते हैं कि टोनी अपनी मॉम की बनाई कैसे करेगा। तैयार होना चाहते हो टोनी? अपना हुनर दिखाओ। ये नहीं तुम्हारी जूलियट रोमियो। ओह लिप्स, अपनी आखिरी किस तो। लेकिन लिप्स के बजाय जहर को किस करो, पियो जूलियट। ये इमेजिनेटिव था और जहर हेयर सीरम था। अब जूलियट तुम्हें और नहीं चाहती। खैर क्या परफॉर्मेंस थी। टोनी फिर से क्लास के लिए लेट है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। उसे इंटरिम प्रिंसिपल के पास जाना होगा और वो टोनी को किसी भी चीज में नहीं बख्शेगा। जिसे टोनी समझ गया, उसकी रूटनेस बिल्कुल ही चली गई। मिस्टर डेविड बहुत सीरियस आदमी है, वो टोनी को कच्चा चबा जाएंगे। क्या ये पसंद नहीं आया? समय का ध्यान रखना शुरू कर दो ताकि तुम लेट ना हो। अब तुम्हें क्लास में समय पर आना होगा। I have a pen, I have an apple. मिस्टर निक फिर से सुपरवाइज कर रहे हैं और टोनी क्लास के दौरान हॉल में घूम रहा है। तुम रूल्स तोड़ रहे हो और तुम्हारा ऐसे बकवास है, अब तुम्हारी मम्मी तुम्हें नहीं बचा पाएंगी। टोनी ने सबक नहीं सीखा, वो अपनी पुरानी हरकतें दोबारा कर रहा है, ध्यान देने के बजाय गेम्स खेलना। अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा यंग मैन। मिस्टर जोई तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, वो तुम्हारे फाइनल बॉस हैं। कोई गेम्स नहीं। चलो देखते हैं तुम बाइनरी की स्ट्रिंग को कंप्यूटर के बिना कैसे संभालोगे। तुम्हारे पास इसे सॉल्व करने के लिए सिर्फ 15 मिनट हैं। स्नैक के बारे में तो भूल ही जाओ टोनी, मिस एनी नहीं तो कोई इच्छा पूरी नहीं होगी और मिस्टर रूडी तुम्हें चाय भी नहीं देंगे। इसके अलावा वो तुम्हारा लंच ले लेंगे। तुम्हें नॉलेज से ही पेट भरना होगा। बेचारा टोनी मुश्किल से इसे संभाल सकता है, उसे जानना होगा कि उसकी मॉम कब वापस आएंगी। टोनी अपनी माँ से कहता है कि वो अपने रिप्लेसमेंट को कंट्रोल में रखे। वाह वो बहुत कॉन्फिडेंट है, सब कुछ शायद साधारण ही होने वाला है क्योंकि मिस्टर डेविड को फोन कॉल आया है। क्या टोनी दोबारा स्कूल का किंग बनने वाला है? जिंदगी रास्ता ढूंढ ही लेती है। माफ करना टोनी, तुम्हारी मॉम काम के लिए वापस नहीं आ रही। कभी कभार आपको अपने ऊपर बस विश्वास रखना होता है। टोनी अपने प्रिंसिपल मॉम पर निर्भर रहा और उसने बिना सोचे अपने मन की। आपको क्या लगता है कि अब टोनी के साथ क्या होने वाला है? अपने आइडियाज हमें कमेंट्स में बताएं।
और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ट्रुम ट्रुम पर नए वीडियोस मिस ना करें।